नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा, और इसी के साथ बुलेटिन का करते हैं आगाज। और सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। 1700 कूड़ा स्थलों को किया गया चिन्हित, 17 सितंबर से शुरू होगा सफाई अभियान। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने दी जानकारी। बिहार में के पाठक एक्शन अगेंस्ट, शिक्षा विभाग का एक लेटर और रुक गई शिक्षकों की सैलरी, सचिव ने दे दिया ऑर्डर। बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर, 303 इकाइयों में 3872 करोड़ का निवेश, 3000 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। पटना जिला प्रशासन की अनोखी पहल, वीक नहीं देने के लिए कॉलेजों में होगा रिल्स बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन। रिल्स बनाकर युवा करेंगे वीक नहीं देने की अपील। और 34 साल के हुए टीम इंडिया के स्टार सूर्य कुमार यादव T20 में बना चुके हैं कई धासु रिकॉर्ड, मिस्टर 360 के रूप में भी बनाई पहचान। अब खबरें विस्तार से। हाल ही में बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद ने 9553 करोड़ रुपए के 688 निवेश प्रस्ताव को पहली मंजूरी दी है। इन प्रस्ताव के तहत अब तक 305 परियोजनाओं को वित्तीय मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें से 303 ने उत्पादन शुरू कर दिया है या उत्पादन के लिए पूरी तरह से तैयार है। खासकर खाद्य और प्रसंस्करण क्षेत्र में हो रही इन निवेशों से राज्य के औद्योगिक विकास में एक नई दिशा मिल रही है। इन परियोजनाओं के माध्यम से 3872 करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतर चुका है और इससे 3000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। शिक्षा विभाग ने राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि केवल शिक्षा विभाग के निर्देशों का पूरी तरह पालन करने के बाद ही विश्वविद्यालयों को शिक्षक और कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए राशि प्राप्त होगी। शिक्षा विभाग ने कुलपतियों को भेजे गए पत्र में ये भी स्पष्ट किया है कि सभी विश्वविद्यालयों को अपने शिक्षकों और कर्मचारियों का बुनियादी डेटा शिक्षा मंत्रालय के 9 स्थापित पेरोल पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसमें शिक्षक कर्मचारी वेतन, पेंशन और परिवार की संपूर्ण जानकारी शामिल होगी। इसके साथ ही अतिथि शिक्षकों की जानकारी भी इस पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा विभाग ने CFMS को लागू करने के निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि अनुपालन के बाद ही आगे का अनुदान विमुक्त किया जाएगा। पटना जिले में भीख मांगने की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने एक अनोखी पहल की है। बता दें कि अब युवाओं को भीख नहीं देने के प्रति जागरूक करने के लिए रिल्स की मदद ली जाएगी। सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा स्कूलों और कॉलेजों में रिल्स बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें जिनका रिल्स सबसे बेहतर रहेगा उसे लोगों तक पहुँचाया जाएगा, जिससे लोगों को भीख देने के खिलाफ जागरूक किया जा सके। पटना स्टेशन रोड स्थित महावीर मंदिर के आसपास के इलाकों को भिखारी मुक्त करने की दिशा में ये कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इस पहल के तहत सामाजिक सुरक्षा कोषांग जल्द ही एक हेल्प डेस्क स्थापित करेगा, जो पटना स्टेशन और महावीर मंदिर परिसर में स्थित होगा। यहाँ पर लोगों को भीख न देने की अपील की जाएगी। और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की शुरुआत के साथ बीएड कॉलेजों की संरचना में बदलाव की घोषणा की है। इस बदलाव के तहत सभी बीएड कॉलेजों को नए मानकों के अनुसार ढालने के लिए कहा गया है, जिसमें साइंस लैब की स्थापना भी शामिल है। NCTE ने इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और सभी कॉलेज इसकी तैयारियों में जुट गया है। NCTE ने BRABU समेत सभी विश्वविद्यालयों को आदेश दिया है कि वे दिसंबर तक कॉलेजों की क्षमता का आकलन कर इसकी रिपोर्ट तैयार करें और भेजें। वहीं बीएड कॉलेजों को NAC से मान्यता लेना जरूरी होगा। BRABU के इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज प्रोफेसर अरविंद कुमार ने बताया कि निर्देशों के अनुसार काम तेजी से किया जा रहा है। बिहार में जहाँ गुरुवार को 29 IPS का ट्रांसफर किया गया था, वही आज फिर से 9 IPS का ट्रांसफर किया गया है। बिहार गृह विभाग के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार पंकज दरात को ATS के नए ADG के साथ साथ विशेष निगरानी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वही सुनील कुमार को ADG विशेष शाखा पटना और ADG EOU का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। IPS पारसनाथ को CID का ADG नियुक्त किया गया है। इसके अलावा
एमआर नायक को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की अपर पुलिस महानिदेशक का पद सौंपा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है, जिसमें राज्य के सभी प्रखंडों के दो दो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर विशेष टीकाकरण कॉर्नर की स्थापना की गई है। आगामी 15 सितंबर को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे फुलवारीशरीफ प्रखंड स्थित कुरकुरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर टीकाकरण कॉर्नर का उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि अब इन सेंटरों पर नियमित टीकाकरण की सुविधा जो है प्रदान की जाएगी। इसके तहत राज्य के सभी चिन्हित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हर सप्ताह सोमवार, मंगलवार और गुरुवार को टीकाकरण का आयोजन किया जाएगा। इन सेंटरों पर सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी नियमित टीके उपलब्ध रहेंगे। टीकाकरण के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आशा कार्यकर्ता या टोल फ्री नंबर 104 पर भी संपर्क किया जा सकता है। पटना की निवासी माही ने कर्नाटक के मंगलुरु में आयोजित 17वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप 2024 में 3 स्वर्ण पदक जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। माही ने स्विमिंग के 3 अलग अलग विधाओं में ये उपलब्धि हासिल की है और इस तरह वे बिहार की पहली खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने नेशनल चैंपियनशिप में एक ही बार में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन संकरण ने भी माही को इस सफलता के लिए बधाई दी है। बता दें कि पटना के दानापुर गोला रोड की निवासी माही श्वेतराज वर्तमान में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। 7 साल की उम्र में उन्होंने तैराकी की शुरुआत कर दी थी। बीते दिन नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि 17 सितंबर से बिहार के शहरी निकायों में एक बड़ा सफाई अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत 1700 से अधिक कूड़ा स्थलों को चिन्हित किया गया है और स्वच्छता को लेकर एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मंत्री ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत सभी जिलों को इकाई माना गया है और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है। समिति में सांसद, विधायक, विधान पार्षद, नगर अध्यक्षों और वार्ड सदस्यों की भी सहभागिता होगी। बिहार के आईएएस अधिकारी संजीव हंस और उनकी करीबी लोगों के ठिकानों पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी बीते दिन प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि संजीव हंस और उनके सहयोगियों की दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इस छापेमारी में ईडी को करीब 1.5 करोड़ रुपए मूल्य का सोना और जेवरात, 87 लाख रुपए नगद और 13 किलोग्राम चांदी जब्त करने में सफलता हासिल हुई है। छापेमारी के दौरान कई भौतिक और डिजिटल साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें हवाला के माध्यम से ट्रांजेक्शन, बैंकिंग ट्रांजेक्शन के साक्ष्य शामिल है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले के सिलसिले में की गई है, जिसमें आईएएस अधिकारी संजीव हंस और उनके करीबी लोगों को आरोपी बनाया गया है। पटना में साइबर फ्रॉड के 15 अलग अलग मामलों में लगभग 1 करोड़ रुपए की ठगी की घटनाएं जो हैं दर्ज की गई हैं। सबसे बड़ी ठगी का शिकार जो है मोकामा के बंटी कुमार हुए हैं, जिनके साथ शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर ठगी की गई है। वहीं पटना के परसा बाजार निवासी विशाल कुमार से 4 लाख रुपए की ठगी की गई है। राजा बाजार के डॉक्टर आशीष से 11 लाख रुपए की ठगी की गई है। फुलवारी शरीफ के उमेश कुमार और कुर्जी के मिथिलेश कुमार से भी 1-1 लाख रुपए की ठगी की गई है। रूपसपुर के प्रदीप कुमार को 90,000 रुपए की ठगी झेलनी पड़ी। इसी तरह से 15 लोग ठगी के शिकार हुए हैं। साइबर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन जो है शुरू कर दी है। राज्य सरकार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सभी विभागों को आगामी वर्ष के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। इस दिशा में मंत्रिमंडल सचिवालय ने सभी विभागों के प्रधानों को एक पत्र जारी किया है। पत्र में विभाग से मांग की गई है कि वे न केवल आगामी वर्ष की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें, बल्कि विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और योजनाओं की अद्यतन स्थिति भी प्रस्तुत करें। सभी विभागों से कुल 11 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा विभागों से इंटरनेट, मीडिया और मीडिया प्रबंधन, अंतर विभागीय समन्वय, तकनीकी और ई गवर्नेंस की स्वीकार्यता और मुख्यमंत्री स्तर पर दिए गए निर्देशों के पालन की स्थिति पर भी रिपोर्ट देने को कहा गया है। वही विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद संभवतः 27 सितंबर को विभागों की समीक्षा मुख्य सचिव कर सकते हैं। बीते दिन गणेश उत्सव के अवसर पर अभिनेता और सांसद मनोज तिवारी बिहार के अभिनेता पंकज त्रिपाठी के मुंबई वाले घर पहुंचे। मनोज तिवारी ने
मनोज तिवारी ने इस खास अवसर पर अपने जज्बात साझा किए। मनोज तिवारी ने कहा कि बहुत खुशी का पल है। मनोज तिवारी ने कहा कि जब कोई आपको प्रेम से बुलाता है तो दूरियां मायने नहीं रखती है, उनका निमंत्रण ही मेरे सम्मान का प्रतीक है। मनोज तिवारी और पंकज त्रिपाठी एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हुए दिखाई दिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बड़ा खुलासा किया है। तेजस्वी यादव ने बताया कि भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली एक समय उनके कप्तान थे। तेजस्वी का दावा है कि वे भी एक उत्कृष्ट क्रिकेटर थे और उनके बैट्समैन्स में कई भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी शामिल थे, लेकिन उनके क्रिकेट करियर में एक बड़ी बाधा आई जब उनके दोनों पैरों के लिगामेंट टूट गए, जिससे उन्हें क्रिकेट को अलविदा कहना पड़ा। दिल्ली डेयर डेविल्स टीम का हिस्सा रहे तेजस्वी यादव ने 2008 से लेकर 4 IPL सीजन खेले। हालांकि क्रिकेट के मैदान पर तेजस्वी का करियर बहुत लंबा नहीं चल सका। भोजपुरी फिल्मों के चर्चित अभिनेता खेसारी लाल यादव के लिए गंभीर चुनौती सामने आई है। छपरा व्यवहार न्यायालय में अभिनेता खेसारी लाल यादव पर चेक बाउंस के मामले में आरोप पत्र गठित कर दिया गया है। खेसारी लाल यादव पर आरोप है कि उन्होंने एक जमीन खरीदने के लिए दिए गए चेक को बाउंस करवा दिया था। इस मामले में आज उन्हें न्यायालय में पेश होना पड़ा और उन्होंने अपने साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए आगामी 19 सितम्बर की तारीख तय की है। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव आज 34 साल के हो गए। इस खास मौके पर सूर्या को फैंस और दिग्गज खिलाड़ियों की तरफ से शुभकामनाएं मिल रही हैं। सूर्या ने T20 क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई है और वे इस फॉर्मेट में भारतीय टीम को कई यादगार जीत दिला चुके हैं। सूर्य कुमार T20 में जैसे बल्लेबाजी करते हैं, उन्हें रोक पाना हर किसी टीम के बस की बात नहीं होती है। सूर्य कुमार यादव, जिनका जन्म जो है 14 सितम्बर 1990 को मुंबई में हुआ था, लेकिन वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने केवल 31 साल की उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में कदम रखा था और कम उम्र में अपना दबदबा जो है कायम रखा। सूर्य कुमार यादव ने 8 रन बनाए हैं। वहीं 37 वनडे मैच में सूर्या के बल्ले से 25.76 की औसत के साथ 773 रन निकले हैं, लेकिन T20 में उन्होंने 42.66 की औसत के साथ 2432 रन बनाए हैं। T20 में उन्होंने 4 शतक भी अपने नाम किए हैं। हालांकि भारतीय T20 टीम की कप्तानी संभालने के बाद सूर्या से काफी उम्मीदें बढ़ गई हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है मुन्ना प्रसाद, मोहम्मद अरमान, रवि, मोहन वर्मा, मुन्ना कुमार राम, बाबूलाल मरांडी, राजकिशोर महतो, कुश कुमार यादव, रंजीत मिश्रा, जूली पटेल, नौशाद रजा, संजीव कुमार, मोहम्मद अजमेर, रवि कुमार राम। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपके परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं और वे क्या करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए बिहारी न्यूज़ देखते रहिए और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।